बूट पहनकर स्वैग में रहने वाले ये है देवांश। ऊपर वाले के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करने वाले ये है अभिषेक शर्मा। अपने ब्यूटी और सेहत का ख्याल रखने वाले ये है एक कलाकार। भाई कलाकार तो एक है लेकिन इन्होंने किरदार कई सारे निभाए हैं। सीरियल कबूल है सीजन 2, इमली सीजन 3 और कई सारे एड्स करने वाले अभिषेक शर्मा इन दिनों नजर आ रहे हैं जी टीवी के सीरियल वसुधा में। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने इनसे मुलाकात और जानने कि कैसे ये अपने दिन की करते हैं शुरुआत। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और स्पेशली हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो कि महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि आज आप होने वाली हैं कहां, किनकी आंखों में। मैं ये बता दूं कि अभिषेक हमारे साथ हैं और आज आप इनकी आंखों में खोने वाली हैं। अभिषेक, मैंने इतनी तारीफ सुनी है आपकी आंखों की, जहां कमेंट्स देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की आंखों में खोने की बात हो रही है। कितना इस कॉम्प्लीमेंट को ले पाते हैं आप? कॉम्प्लीमेंट तो जितनी बार मिले उतना कम होता है, तो आई थिंक ये तो मेरे मम्मी पापा को थैंक्स करना चाहिए और भगवान को थैंक्स करना चाहिए कि लोगों को ये मेरी आंखें बहुत पसंद है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और कॉम्प्लीमेंट हर बार मिले मुझे हर बार ही अच्छा लगता है। सो आज हम बताने वाले हैं हमारा दिन आपके साथ, देखेंगे कि कितना हैपनिंग होता है इनका दिन। अभिषेक, ऐसे तो एक्टर की लाइफ बहुत ही ऐसी लगती है कि यार इतनी परफेक्ट परफेक्ट लाइफ होती होगी, बट देन इनसाइड बहुत ही अलग होता है। कितना अलग है आपका ये सफ़र, मैं कहूँ? मतलब कैमरा के सामने जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज एन एक्टर हमें करनी होती हैं, लाइक हिटिंग द जिम और या फिर मॉर्निंग रूटीन या फिर डाइट का खाना बनाना और बहुत सारी चीज़ें। सो मतलब अगर हमें सेट पे 9 बजे या 8:30 बजे पहुंचना होता है तो आई हैव टू वेक अप अराउंड 6 AM और उसके बाद सारी प्लानिंग करनी होती है। सो अभी हम नीचे आ गए हैं मेरे घर के, एंड देन सो आई यूजुअली टेक नारियल पानी वहाँ से एंड देन आई स्टार्ट माई जर्नी। सो आ जाइए, आपको भी नारियल पानी पिलाते हैं। अभिषेक शर्मा सुबह सुबह नारियल पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि एक यही है जो इनको पूरे दिन हाइड्रेट करके रखता है। माई गोल इज़ टू स्टे हाइड्रेटेड, मतलब लेकिन शूट के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पानी पीना भूल जाता हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सो आई ट्राई कि मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करूँ नारियल पानी से या फिर नींबू पानी से, तो और नारियल पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड और आपकी स्किन को बहुत फ्रेश रखता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। सो मैं रोज़ या तो सुबह या फिर शाम को आई टेक नारियल पानी, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग। नारियल पानी पीकर हम निकल दिए हैं सीरियल वसुधा के सेट की ओर, लेकिन बीच रास्ते में पड़ता है एक हनुमान मंदिर जहां पर अभिषेक जाना कभी नहीं भूलते क्योंकि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर जो मेरे घर के बहुत पास है और वो इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर है, और मैं ट्राई करता हूँ कि ट्यूसडेज़ को वहाँ पर ज़रूर जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ जाता हूँ या फिर, पर लेकिन आई ट्राई कि जब जब मेरे मन में कुछ डाउट्स होते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि कुछ हो जाए तो मैं हनुमान जी के पास पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे जाकर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलीव्ड। और वैसा बोलते हैं कि वहाँ पे इच्छाएं भी पूरी होती हैं लोगों की, तो अभी हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको हनुमान जी से मिलवाता हूँ। हनुमान जी की आरती के लिए और उनको उनके चढ़ावे के लिए फूल, नारियल पानी और अगरबत्ती। सो दिस इज़
नॉर्मल रूटीन फॉर मी आते ही, और मैं मिठाई लानी भूल गया हूँ तो माफ़ करना मुझे, पर लेकिन दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर कि मैं भगवान जी को चढ़ा दूँ और उनका आशीर्वाद लूँ। आइए। मुझे सुबह सुबह हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, लुक एट दिस। ऐसा बोलते हैं ना, जब ये मिलता है तो भगवान की कृपा आ जाती है। सो आप सबको भी आशीर्वाद आशीर्वाद। फील सो गुड, ये मिला है, नाइस। आइए अब चलते हैं सेट की ओर। भाई अभिषेक शर्मा के चेहरे की स्माइल से यकीन हो गया है कि इनके दिन की शुरुआत वाकई बहुत अच्छी हुई है। बात करेंगे इनके एक्टिंग के करियर की, तो मेरठ के रहने वाले अभिषेक शर्मा ने पुणे से MBA किया है, और इतना ही नहीं 2 साल इन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है। कॉर्पोरेट में काम करने के दौरान इन्हें एहसास हुआ कि ये एक्टिंग के लिए बने हैं। बस फिर क्या, इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, 2 साल वहाँ एक्टिंग सीखी और फिर 2018 में पहुँच गए मुंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो 2018 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई में, और वहाँ से आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। और इनिशियली होता है ना, जब आपको पता नहीं होता है कि ऑडिशंस कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, और नई जगह है, और बीच बीच में मैं ये करता था पुणे से कि वीकेंड पे आकर एक बार देख गया कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कहाँ पर कास्टिंग होती है। तो यहाँ पर अंधेरी, वर्सोवा में जितने भी कास्टिंग हाउसेस थे वहाँ पर जाना, रोज़ पूछना, इंट्रो देना, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नेटवर्किंग होती गई, काम बढ़ता गया, और तो मुझे काम मिलने लगा। एड्स हो गए, म्यूज़िक वीडियोस हो गए, और फिर वेब शोज़ हो गए। मैंने सबसे पहले कबूल है Season 2 Z5 के लिए था, तो उसमें उसमें एक भाई का रोल किया था, और उसके बाद एड्स मिलते गए, फिर मैंने प्रिंट का काम स्टार्ट किया, और वहाँ से चलते चलते ऑडिशंस देते, और फिर मुझे वसुधा के लिए एक दिन ऑडिशन की रिक्वायरमेंट आई। तो वहाँ से विवेक गौतम है जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे कास्टिंग के लिए बुलाया। तो मेरे आई थिंक 3 या 4 राउंड हुए हैं ऑडिशन के, मीटिंग राउंड हुए हैं, और वहाँ से मैं अरविंद बब्बल सर से मिला, और जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, स्टोरी लाइन के बारे में बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही एक प्यारी सी स्टोरी है। और तो सर से मिलने के बाद आई रियलाइज़ कि अच्छा, सर को भी रियलाइज़ हुआ कि आई लाइक दिस इज़ अ गुड कास्टिंग, इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से वसुधा की जर्नी स्टार्ट हुई। अभिषेक शर्मा देवांश का किरदार तो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन मुंबई में वो अकेले रहते हैं, और घर में इनकी एक खास दोस्त भी है जिनसे इन्होंने हमें रूबरू कराया। So, मैं आपको अपनी कैट तारा से मिलवाता हूँ। ये बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी, और बहुत ही क्या बोलते हैं, एक इनोसेंट सी बच्ची है। ये देखिए, तारा का मॉर्निंग रूटीन होता है मुझे उठाना 4 बजे करीब, खाना मांगना, फिर मैडम फ्रेश होती हैं तो मैडम का लिटर साफ़ करना, क्योंकि मैडम को फिर से 7 बजे फिर से फ्रेश होना होता है, और फिर मैडम सुबह मेरे साथ आधा घंटा अच्छे से परिंग करते हुए बिताते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो मैडम एक बाय बाय करके मुझे सी ऑफ करती हैं। और एक फ़ोटो और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि मैडम जब दोपहर में सोती हैं तो कैसे सोती हैं। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा, और हम पहुंच गए सीधा वसुधा के सेट पर, जहां पर अभिषेक शर्मा बनते हैं देवांश। तो आइए चलते हैं इनके मेकअप रूम में, देखते हैं कि कैसे एक कलाकार किरदार में ढलता है। तो अभी हम आ गए हैं चौहान हाउस में, सो दिस इज द एंट्री, और यहां से यूजुअली आप उधर देखोगे तो यहाँ पर सेट है, और दिस इज़ वेयर द चौहान हाउस में सारा केओस एंड प्यार और मोहब्बत हैपन्स। एंड कम हियर, इधर एक्टर्स के रूम्स हैं, तो आइए। वेलकम टू माय रूम।
सो दिस इज़ वेयर आई गेट ड्रेस्ड, आई गेट रेडी और मैं आपको बप्पा से भी मिलवा देता हूँ। आ जाइए, ये मेरे प्यारे से गणपति बप्पा हैं जिनको मैं आकर एक बार चेंज करता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास टिश्यू पेपर आया नहीं है तो आई क्लीन दिस अप एंड उसके बाद आई गेट ड्रेस्ड और तो मिलते हैं। मैं अभी मेकअप स्टार्ट करता हूँ तो मैं बताता हूँ मेकअप वेकअप में क्या होता है। तो अब हमारा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। किशन भाई आ गए हैं। किशन भाई इस चेहरे पर नूर बिखेरेंगे तो अब देख सकते हैं। तो मेकअप रहता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अंडर आइज और उसके बाद ये किशन का कहना है कि वो मेरा मेकअप पानी की मदद से करता है, जो मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ थी। और वो मेकअप जो ये करता है वो आई थिंक आराम से 9-10 घंटे या 12 घंटे तक सेट रहता है। मैं घर पे भी जाता हूँ तो मेकअप सेट रहता है। सो दिस इज़ हाउ ही स्टार्ट्स। पानी लिया और बाय द वे मैं स्किन केयर घर से ही करके आता हूँ, लाइक सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र तो ऑलरेडी मेरे स्किन पर है। सो उसके बाद किशन ने अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया है एंड देन मिलते हैं। That's how my morning starts यहाँ पर set पे। This is a usual routine। मेकअप के बाद कॉफ़ी के साथ पोहा या कभी कभी साबूदाना की खिचड़ी या फिर कभी कभी आई प्रेफर फ्रूट्स और कॉफ़ी। और उसके बाद स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, थोड़ा सा एक बस सीन वर्क, क्योंकि मैं यूजुअली तो मैं स्क्रिप्ट शाम को पढ़ लेता हूँ और रात को एक बार प्रेप करके सुबह प्रेप करके आता हूँ। और सेट पे एक बार फिर सीन वर्क और उसके बाद हम को बाकी कैरेक्टर्स से मिलते हैं और फिर देन वी रिहर्स एंड देन वी स्टार्ट। तो मैं अपनी स्किन को प्रेप कैसे करता हूँ स्किन को अच्छा रखने के लिए, सो यूजुअली मैं घर से ही मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन का बेस लगा कर निकलता हूँ ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इतने में सेट पे पहुँचो। उसके बाद बेसिक बेस लगता है एंड फाउंडेशन और नॉर्मल मेकअप के साथ। इट डजंट टेक मच टाइम, लाइक 10 मिनट में आई गेट रेडी। और दिस इज़ समथिंग विच आई कैरी। मॉइस्चराइज़र मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सनस्क्रीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट के सामने होते हैं या फिर कभी आउटडोर शूट होता है तो टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र ये एक कॉम्बो है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। और मेकअप का तो आपको बता ही दिया है। हेयर के लिए मुझे बोला जाता है कि आई डोंट टेक मच टाइम हेयर के लिए क्योंकि आई ओनली यूज़ वैक्स और थोड़ा सा पानी से आई सेट माय हेयर एंड दैट्स द ओनली थिंग। आई डोंट यूज़ हेयर स्प्रे और लाइक सेटिंग के लिए पीपल यूज़ बिकॉज आई हैव लाइक थिक हेयर तो वैक्स से वो सेट हो जाते हैं। सो जनरली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट येस कभी अगर एक्शन सीक्वेंसेज हैं या फिर कहीं भागना है देन समटाइम इट इज़ यूज बट अदर दिस इज़ द ओनली हेयर प्रोडक्ट विच आई यूज़ द वैक्स एंड सम वाटर दैट्स इट। सिंपल सा मेकअप, अच्छे से हेयर स्टाइलिंग और बढ़िया सी कॉफी पीकर अभिषेक शर्मा तैयार है अपना सीन फिल्माने के लिए। लेकिन अभी सीन में वक्त है तो क्यों ना अभिषेक शर्मा संग हम सेट की सैर कर लें। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ और मेरा सीन लगने में टाइम है और इतने बीच बीच में मैं आपको सेट का वॉक थ्रू दिखा देता हूँ, एक बार सेट दिखा देता हूँ अगर सब कुछ डायरेक्टर सर से पूछ के एक बार। और वो जब हो जाएगा तो आइए चौहान हाउस में एंट्री करते हैं। तो आपका स्वागत है चौहान हाउस के लिविंग रूम में, हॉल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स अ ह्यूज सेट और अभी सेटअप चल रहा है और नेक्स्ट सीन के लिए, फर्स्ट सीन ऑफ द डे के लिए। सो दिस इज़ वेयर एवरीथिंग हैपन्स, जहाँ पे हमारी सभा बैठती है, मासा के सामने पेशी होती है लोगों की। एंड अभी डायरेक्टर सर और क्रिएटिव सब डिस्कशन में है एंड एवरीवन इज डिस्कसिंग। इधर हमारा ऑफिस है और यहाँ मासा बैठती हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा शैंडिलियर एंड ऑल एवरीथिंग।
टू गिव द सेट एक फील गुड फैक्टर. और इस साइड, इस तरफ मेरा रूम है, और अगर हम देख पाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ. एक मिनट रुकिए, आइए मैं चेक करके बताता हूँ. आ जाइए. सो ये देवांश सिंह चौहान का रूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं. इधर वॉशरूम है, यहाँ पे आई गेट ड्रेस्ड, और दैट्स द बेडरूम ओवर देयर. एंड और दिस इज़, ये यहाँ पर देवांश सिंह चौहान की सारी मीटिंग्स और अविनाश के साथ डिस्कशन होते हैं. कम, मैं आपको गार्डन और स्विमिंग पूल एरिया ले जाता हूँ. आ जाइए, पापा साहब की फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं एक बार. ये हमारे प्यारे और प्रिय पापा साहब हैं, जो अभी शायद तैयार हो रहे हैं, तो उनसे मैं बाद में मिलवाता हूँ. और इस तरफ मेरी और मासा की एक प्यारी सी फ़ोटो है. ये मेरी और मासा की एक प्यारी सी फ़ोटो है. और यहाँ पर गणपति रोल हो चुका है, बप्पा का आशीर्वाद सेट पर जा चुका है. और ये हमारी किचन है, और ये हमारे अजीत जी हैं, ये प्रोडक्शन में हैं, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, काफ़ी हमारा ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेके कॉल टाइम से लेके कब जाना है कब जाना है. तो जब कभी शॉट्स सीन चेंज होते हैं, या शॉट या सीन के बीच में क्लोजअप्स और वाइड शॉट्स के बीच में एक्टर्स को रेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम सब बैठते हैं. आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं सबके लिए. तो यहाँ सब हम सीन की रीडिंग करते हैं. सीन स्टार्ट करने से पहले स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, और सीन में हम क्या करने वाले हैं, कैसे इम्प्रूव करेंगे, या जो भी होगा वो सब यहाँ बैठकर डिस्कस होता है. एंड बाय द वे, दिस इज़ आर किचन, जहाँ पर वसु और सावित्री मासी टेस्टी पकवान बनाती हैं, खाना बनाती हैं. और अब मैं आपको गार्डन की तरफ लेके चलता हूँ. ये चौहान हाउस की एंट्री है, और ये हमारा गार्डन है. जनरली हम यहाँ बैठकर चाय और कॉफ़ी पीते हैं, और बाकी सब बाकी सारे शूट्स, सगाई होना और फंक्शंस, एनिवर्सरी, वो सब यहीं पे होता है. उधर स्विमिंग पूल है, और काफ़ी प्यारा सा एक क्यूट सा घर है हमारा. और आइए आइए, इस कोठे की एक और ख़ास बात दिखाता हूँ आपको. मेरी नज़रों से देखो तो यहाँ से मासा और पापा सा की बालकनी है. यहाँ पर वो लोग बैठकर ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं. और इस तरफ से हम चले जाएंगे हनुमंत काकू और वसुधा जी के घर. ये वो रास्ता है जहाँ पर गुलकी रहती है. और आइए, चौहान हाउस का एंट्रेंस और चौहान हाउस का जो घर के पास एक नाम लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. आइए, तो ये है हमारे चौहान हाउस की एंट्रेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों. दिस इज़ फ्रॉम, यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है. और ये है हमारा चौहान हाउस, प्लीज़ हैव अ लुक. अभी हम जा रहे हैं ड्रेस रूम में, जहाँ पर मैं आपको कुछ अपनी कॉस्ट्यूम्स और बाकी लोगों की कॉस्ट्यूम्स के बारे में दिखाऊंगा, कि कैसे हमारे कॉस्ट्यूम तैयार होते हैं, कैसे कॉस्ट्यूम डिसाइड होते हैं कि किस सीन में क्या कॉस्ट्यूम लगेंगे. तो फिर से वेलकम टू चौहान हाउस, और आ जाओ. एक कॉस्ट्यूम रूम है, जहाँ पर आप देख सकते हो अविनाश की कॉस्ट्यूम्स. और मेरा कॉस्ट्यूम कहाँ है? मेरा कॉस्ट्यूम शायद मेरे रूम में चला गया होगा. और यहाँ पर सब कॉस्ट्यूम, और यहीं पे स्टिचिंग होती है, यहीं पे ऑल्ट्रेशन होती है. और जैसे कि आप देख सकते हो, जैकी दिखाओ. जैकी एक काफ़ी मेहनती लड़का है. और उधर वो पूजा जी हैं, वो ज्वेलरी संभालती हैं, सारा ज्वेलरी का डिपार्टमेंट उनका है. और यहाँ पर अभी ये सब हो रहा है. आ जाइए भाई, सेट की सैर तो हो गई, अब बारी है पूरी तरह देवांश के किरदार में ढलने की. ऐसे में अभिषेक फिर से पहुंच गए अपने मेकअप रूम में.
और उन्होंने सास बहू और बिटिया को बताया कि आज देवांश क्या पहनने वाले हैं। आज का कॉस्ट्यूम आ गया है, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। देवांश के कॉस्ट्यूम काफी क्रिस्प होते हैं, इट्स अ प्रॉपर सूट, वाइट शर्ट एंड कोट जैकेट, और साथ में देवांश की घड़ी होती है और देवांश कान में भी कुछ पहनता है, तो ये है। एंड शूज हमारे सब नीचे हैं, तो टुडे आई विल बी वेयरिंग ब्लैक शूज, ब्लैक फॉर्मल शूज। एंड सो बस गिव मी 5 मिनट्स एंड आई विल चेंज एंड देन मैं कैरेक्टर लुक में आता हूँ। हेलो, देवांश सिंह चौहान से मिलकर आपको अच्छा लगेगा, तो आइए आ जाइए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। आज की कॉस्ट्यूम हमारी ये है, और अभी आई विल वेयर माय वॉच, और उसके बाद कान के कुंडल्स, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। आई थिंक इट डज़ नॉट टेक मच टाइम, बट कभी कभी हेयर में थोड़ा टाइम लग जाता है, और बाकी कुछ नहीं। एंड दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी इयर रिंग्स पहनने हैं मुझे, इयर रिंग्स पहनने के लिए देयर इज़ अ गाय हु विल कम, क्योंकि वो इयर रिंग्स में एक लॉक लगाना पड़ता है। सो वंस ही कम्स देन आई विल बी ड्रेस्ड लाइक प्रॉपरली, एंड दैट्स माई लुक, फाइनल लुक। हैव अ लुक। अब मैं आपको वसुधा जी से मिलवा देता हूँ। ये वसुधा जी हैं, वसुधा जी तैयार हो चुकी हैं। ये इनका कॉस्ट्यूम नहीं है, क्योंकि मासा इनको अलाउ नहीं करेंगी ऐसा पहनने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए। हाँ, बाद में करेंगी, लेकिन अभी ये इनको किचन में जाना है, तो किचन की प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है। वसुधा जी, कुछ बताइए शो के बारे में। थैंक यू सो मच। हमारा बॉन्ड तो बहुत ही अच्छा है, मुझे इनके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है, और ये मुझे हंसाते भी हैं बीच बीच में, और बीच बीच में रोस्ट भी करते हैं। तो नहीं, मुझे रोस्ट करते हैं, शक्ल से भोली तो मैं ही लगती हूँ ना, फिर भी। और वसुधा जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छी एक्टर हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर लेकिन हमें खिलाती कम है, और क्योंकि ये सारा खाना बाकी लोगों को खिला देते हैं। और वसुधा जी का रूम काफ़ी सुंदर है, मेरा रूम तो बड़ा प्लेन था, देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, पर अभी थोड़ा मैसी हो रहा है। आ जाइए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है इन्होंने। तो ये वसु है, और वसुधा जी को ये मैंने गिफ्ट किया था, और बाय द वे ये लाइटिंग भी मैंने वसुधा जी को दिवाली पे गिफ्ट की थी। वसुधा जी को दिवाली पे मैंने ये लाइट गिफ्ट की थी, ये देखिए, ये इसमें, और वसुधा जी को ये सब वसुधा जी को मैंने ही गिफ्ट किया हुआ है इधर उधर से। तो वसुधा जी, अपने रूम के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, बाद में इसमें क्या करना चाहेंगी, लिफ्ट लगवाना चाहेंगी इस रूम में कुछ? मेरा रूम एक हैप्पी प्लेस है, और मेरे रूम में सबको आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सबको बुलाना बहुत अच्छा लगता है, सबको होस्ट करना अच्छा लगता है, और हम सब मिलके लंच यहीं पे करते हैं। जब भी ये लंच लेके आते हैं तो मैं इनका टिफिन ज़रूर खाती हूँ, एक्चुअली मैं रोज़ ही खाती हूँ, लेकिन जब मैं नहीं ला पाती हूँ। तो देखा आपने कैसे इस मासूम चेहरे के पीछे ढेर सारी मस्ती है। वैसे इनकी मस्ती दुगनी तब होती है जब ये अपने ऑन स्क्रीन भाई से मिलते हैं, क्योंकि तभी तो ढेर सारे राज खुलते हैं। भाई और बहनों, तैयार हो जाइए इस शो के छोटे भाई से मिलने के लिए, अविनाश सिंह चौहान। ये छोटा भाई है, और वैसे भी भाई है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये सिर्फ ऑन कैमरा मेरे बड़े भाई नहीं, ऑफ कैमरा भी मेरे बड़े भाई हैं, और हमारा शुरू से मतलब वही बॉन्ड रहा है फ्रॉम डे वन। मैं आपको बताऊं, हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था कॉस्ट्यूम ट्रायल वाले दिन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंटरेक्शन था वो हमारा प्रोमो शूट वाले दिन था, और प्रोमो शूट से लेके आज तक फ्रॉम फर्स्ट डे इन उदयपुर, उदयपुर भी हम फर्स्ट डे गए थे साथ में, और 12-15 दिन हमने वहाँ पे साथ में शूट किया था, और फिर हम 15 दिन बाद साथ में वापसी आए थे, और फ्रॉम दैट डे टिल दिस डे, दिस वेरी मोमेंट, मैं हम दोनों साथ में हैं, एंड लिटरली वो बड़े भाई छोटे भाई वाला बॉन्ड ऑफ कैमरा भी है।
सेट पर 10 से 12 घंटे काम करना, सीरियल में कई सारे किरदारों से अपने रिश्ते निभाने से रियल रिश्ते भी रियल बन जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि सीरियल वसुधा में इन्हें कई सारे दोस्त जो मिल गए हैं। खैर, इसी के साथ हम अभिषेक शर्मा को सेट पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब शूटिंग का समय हो गया है। तो आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा रहा, सास बहू और बेटिया की टीम के साथ काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ। एंड प्लीज़ डू वॉच दिस एपिसोड ऑन सास बहू और बेटिया एंड वॉच वसुधा ऑन जी टी वी एंड जी फाइव, जी टी वी पे 10:30 बजे और जी फाइव पे कभी भी। एंड बाय द वे, थैंक्स टू सास बहू एंड बेटिया की टीम जिन्होंने आज का ये फुटेज कवर किया, और काफ़ी वार्म एंड काइंड लोग हैं ये। तो लव यू टीम, और आपका प्यार चाहिए वसुधा के लिए, वसुधा और वसुधा की टीम के लिए। थैंक यू, बाय बाय। तो देखा आपने, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों में चमक और स्वैग, ये देखकर भला कोई लड़की इन पर फिदा क्यों ना हो। इसीलिए तो लड़कियां इनकी बहुत बड़ी फैन हैं। उम्मीद है अभिषेक शर्मा के बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिर चलिए आपके इस संडे को बना देते हैं हम और भी स्पेशल। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ। अब आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं मिस करेंगे एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। We'll be right back.